नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संजू भट्ट मुआनी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो में एक संदेश के तौर पर बना रहा हूँ कि हमारे जो सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म में आजकल लोगों की आईडी हैक करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है। तो दोस्तों, आप सचेत रहें और इसी बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ हमारा मित्र केविन खोलिया भी है। तो केविन खोलिया, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आज सुबह मेरे फेसबुक अकाउंट पर एक हैकर का मैसेज आया और मैसेज आने के बाद उसने मेरे को पैसे की डिमांड की, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और जो आईडी हैक की थी वो भी मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और मैं केविन खोलिया से जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज सभी हुआ ये कि भटजी के उसमें एक मैसेज आता है कि आप मेरे पे जो है मेरे को अभी पैसों की ज़रूरत है। और वो लौंडा जो है जिसका मैसेज आया था वो यहीं जो है गाँव साइड में रहता है, करीब 5 किलोमीटर आगे रहता है संजू भटजी के घर से। तो लगभग अब और वैसे वो जॉब करता है दिल्ली में। तो वो लड़का अभी दिल्ली में जॉब करता है और उस वो लड़का मेरा बड़ा करीबी है, मतलब हेमंत सिंह भट्ट करके नाम की उसकी आईडी है फेसबुक अकाउंट पे। तो उस लड़के की आईडी हैक कर दी गई, तो मैं आप सभी को दिखाने भी चाहूँगा। और तो केविन, आप बताइए। तो दोस्तों, जैसा कि भटजी के उसमें मैसेज आया क्योंकि उनकी बात इनके साथ चलती रहती थी, तो हैकर ने सोचा कि इनसे अगर मैं पैसे मांगूँ तो इनके क्या बताए मेरे को दे सके। और जो है मतलब आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और किसी को मतलब आप कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। और जो है अगर आपको इससे बचना है तो आप एक इनकी एक हेल्प कर सकते हैं, मतलब हेल्प वो ऐसे होगा आपको उसकी जो फेसबुक आईडी। तो दोस्तों देखिए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये है हमारा जो ये आईडी है, ये आईडी हेमंत सिंह की आईडी है और ये मैं आपको पूरा प्रोफाइल चेक करा रहा हूँ। और ये हेमंत सिंह हेमू भट्ट करके ये आईडी है, देखिए पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आईडी हमारे हमारे क्षेत्र मुआनी घाटी पे लगे हुए क्षेत्र कमतोली ग्राम सभा का ये लड़का है और ये अभी दिल्ली में जॉब करता है लड़का। तो इस लड़के की आईडी हैक करने के बाद देखो मेरे को क्या मैसेज आते हैं इस आईडी से, मैं वो भी आपको सब रूबरू कराऊंगा। तो केविन, आपको जो है यहाँ पे बगल में जो सारे स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे तो यहाँ पे हम पढ़ के बताते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो है हम पढ़ के बताएंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो केविन, आप एक बार इसको पढ़ के जरा सुना दो दर्शकों को, इसमें क्या लिखा गया है। पहले हाई मैसेज आता है उनका, तो भटजी ने बोला हेलो कैसे हो जी, मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए। तो हैकर का मैसेज आता है मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए, तो भटजी बोलते हैं जी बोलो, मुझे कुछ पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, तो गूगल पे तुम्हारे पास है करके पूछा। तो फिर जो है भटजी ने हाँ बोला, तो उसमें कितने अमाउंट है अभी तो आप बताओ, बोला मतलब जितना बोलो। मैंने बोला कि आपको जितना चाहिए बोलो, तो उसने बोला 5,000 रुपये भेजने हैं और धीरपाल के अकाउंट में भेजने हैं। उसने ये बोला कि धीरपाल के गूगल पे अकाउंट में भेजने हैं। तो उसके बाद मेरे पास उसका मैसेज आता है कि मेरे पास कैश है अभी, क्या हुआ बोलो। अब वो बोलता है कि मेरे पास कैश है लेकिन मैंने गूगल पे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है, तो आप कर दीजिए। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ उसको, तुम्हारे पास कैश है तो पैसे की क्या ज़रूरत है? तो फिर वो बोलता है मुझे धीरपाल को अर्जेंट में पैसे भेजने हैं, कुछ पैसे भेजने हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ मैं धीरपाल को नहीं जानता, तो मैंने उसको मैं समझ चुका था कि ये एक खतरनाक हैकर है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे ही मेरे फेसबुक मैसेंजर पे इसने मैसेज करके मेरे ही जैसे कई दोस्तों को इसने बेवकूफ़ बना के अभी तक काफ़ी मैसेज कर चुके होंगे। तो दोस्तों आप सजग रहिए। और उसके बाद उसका मैसेज आता है, तो आप पढ़ के सुनाइए केविन। गूगल पे है तुम्हारे पास पूछा, तो मेरे पास गूगल पे कहाँ से होगा, मैं गाँव में रहता हूँ। भटजी ने बोला मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे पास गूगल पे नहीं है, तो किसी से भी करा लो। तो भटजी ने बोला, वो बोलता है कि मैंने बोला कि मेरे पास गूगल पे नहीं है, मैं गांव से 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ, पर मेरे पास गूगल पे नहीं है। वो बोलता है किसी अपने फ्रेंड के थ्रू अकाउंट में पैसा डलवा दूँ। तो दोस्तों आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप खुद ही पढ़ लीजिए। और जो है इस टाइप से आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है, तो हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप खुद सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि आपका अगर अकाउंट एक बार हैक हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है फिर वो हैकर के पास चले जाते हैं। तो आप पासवर्ड चेंज करोगे फिर भी नहीं होगा। तो इस जो तरीके की हैकिंग होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है और आपसे आपके नाम पे पैसे मांगे जाते हैं इससे। तो ऐसे आपको सोशल मीडिया में कई जो केस मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अभी जो हमारे फेसबुक अकाउंट पे और व्हाट्सएप पे या हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म में अगर कोई भी व्यक्ति
आपका चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो, वो व्यक्ति आपको मैसेज करता है कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है और मैं अर्जेंट में यहाँ पे हूँ, दिल्ली में हूँ और हॉस्पिटल में हूँ, तो आप उसके प्रलोभन में मत फंसिए और उससे पूरी जानकारी ले लीजिए, या तो उसको फ़ोन नंबर मांगिए और उससे पता कर लीजिए कि हाँ भाई मतलब रियल में उसको पैसे की ज़रूरत है, तो पहले पता कर लीजिए, उसके बाद ही मतलब उसको अकाउंट में पैसा या जो भी है पहले पता कर लें, उसके बाद ही डालें और झांसे में न फंसें। हमारा मेन उद्देश्य आज का यही था कि हम लोग एक अपने माध्यम से वीडियो बनाएँ और सभी लोगों को जागरूक भी करें, क्योंकि आजकल ये चीज़ें फेसबुक अकाउंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों और क्या कहना चाहोगे आप? दोस्तों आप इस छोटी सी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके, क्योंकि कई लोग अभी भी इस झांसे में फंस जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें और अपने जान पहचान और अपने बुजुर्ग व्यक्तियों को ज़रूर बचाएं, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों को एकदम चूतिया बनाया जा सकता है इसे। और दोस्तों एक बात और रखना चाहूँगा मैं आपके सामने, हाल ही में एक हमारा भाई था, छोटा भाई नवराज सिंह भैंसोड़ा करके एक आईडी थी फेसबुक में, और वो हमारे मौनी घाटी से ही लगे थल क्षेत्र में, जैसे कि हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर आगे थल, जो हमारी रामगंगा घाटी थल और थल का जो मार्केट है वहाँ पे वो हमारे भाई रहते हैं, तो उस भाई को भी ऐसे ही एक मैसेंजर में बेवकूफ़ बनाया गया और उस भाई को, उस भाई से करीब 16,000 रुपये की रकम ऐटी गई थी। तो इसमें दोस्तों मैं आप सभी को जागरूक करना चाहूँगा कि झांसे में बिल्कुल ना फंसी। जो नवराज सिंह भैसोड़ा जी की भाभी लगती थी, तो अब ऐसे में क्या हो जाता है कि लोग थोड़ा मतलब हकीकत में आने की उससे लोगों को मतलब थोड़ा मतलब एहसास हो जाता है कि वास्तव में पैसे की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर बाय चांस अगर आपके पास कोई भी ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं या कोई खास व्यक्ति भी कॉल करता है, तो पहले उसकी जड़ तक जाइए और पता करिए कि हाँ वास्तव में उसे पैसे की ज़रूरत है या ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, अगर दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आगे भी लेके आएँ पहुँचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।